के कहाँ जाएगा? मेरे विषैले दूध का एक घूंट भी तेरे कंठ का अंत कर देगा। अब समय आ गया उसे उसके बुरे कर्मों के लिए दंड देने का। कोई मुझे बचाओ, ये बालक मेरे प्राण ले लेगा। पूतना के वध के पश्चात कंस और भी भयभीत हो गया और इसीलिए मेरा अंत करने के लिए वो 4 वर्षों तक राक्षस और दानव भेजता रहा। मेरे मान सम्मान पर प्रहार कर रहा है वो कृष्णा। इस एपिसोड में देखिए कंस ने 4 वर्ष के बाल कृष्ण का वध करने भेजा संकटासुर नामक एक और महाकाल। कृष्णा, संकटासुर तेरा वध करने आ रहा है। कान्हा बने हैं माखन चोर। देखिए कैसे कर रही हैं गोपियां मैया यशोदा के द्वार उल्लाना का शोर। क्या होगा, कान्हा को पड़ेगी मार या फिर मिलेगा मैया का दुलार? आइए देखते हैं। मैं स्वयं जाऊंगा गोकुल और अपने हाथों से अपने काम को समाप्त करूंगा। नहीं महाराज, मथुरापति यदि स्वयं जाकर एक बालक पर अस्त्र प्रहार करेंगे तो आपकी मान हानि होगी दिग्विजेता, और यदि आपने ऐसा किया तो आर्थिक हानि तो होगी ही, साथ ही साथ संभावना है कि बंद के नेतृत्व में कहीं कोई विद्रोह ना हो जाए। महाराज, एक अफसर मुझे दें। आज तक जितने राक्षसों को आपने भेजा वो सब असफल हुए, क्योंकि वो बालक उन्हें देख सकता था, क्योंकि मेरे अदृश्य और कोई भी रूप धारण करने की शक्ति के समक्ष उसकी माया कुछ भी नहीं, क्योंकि जो मुझे देख नहीं सकता वो मुझे कैसे मारेगा। जिस साधारण से बालक ने आपके मन को इतना अशांत करके रखा है, मैं उसकी किलकारी को शांत कर दूंगा। उसका वध करके उसके शव को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो ठीक है, तुम्हें प्रथम और अंतिम अवसर दे रहा हूं। शीघ्र अति शीघ्र गोकुल जाओ और मेरे काल को समाप्त कर दो। जाओ जाओ। कृष्णा, संकटासुर तेरा वध करने आ रहा है। नहीं तो मैया के हाथों बहुत पिटाई होगी। कोई आए तो सावधान कर देना। स्वर कैसा? पागो पागो।
बछड़ों को किसने छोड़ा? किसकी शरारत है ये? मुझे पता है ये उद्दंडता किसने की है। कान्हा, कान्हा, कान्हा। शोदा का लल्ला ना सब माखन चुरा के स्वयं खाता है और हमारे बच्चों को भी चोरी करना सिखा रहा है। आज तो इसकी खैर नहीं। चलो यशोदा के पास, जब देखो अपने लल्ले का पक्ष लेके आ जाती है। बताते उसके इस कार्य के बारे में, अब इस नटखट को वही ठीक करेगी। चलो। परंतु माधव, आपको इतनी सारी लीलाएं करने की क्या आवश्यकता थी? चार वर्षों तक आप ये सब क्यों सहते रहे? स्वयं कंस का वध क्यों नहीं कर दिया आपने? कंस वहां मथुरा में बैठकर अत्याचार करता रहा और आप गोकुल में बैठकर नटखटपन करते रहे। रुक्मिणी, अगर मैं उसी क्षण कंस का नाश कर देता तो इतने वर्षों तक माखन चुराकर खाने का आनंद कैसे ले पाते? मेरा जन्म केवल पाप का नाश करने के लिए नहीं हुआ है, मेरा जन्म सही राह पर चलने और कर्म सिखाने के लिए हुआ है। और वो कहते हैं ना कि आनंद सीधा लक्ष्य को प्राप्त करने में नहीं, उस लक्ष्य की यात्रा के हर पल को भोगने में आता है। और फिर नंद बाबा और यशोदा मैया ने कितने प्रेम से मुझे पाला था, उनका ऋण भी तो चुकाना था। कोई भी माता पिता भला अपने बालकों के नटखट क्रीड़ा के बिना कैसे रह सकते हैं? और मेरा परिवार तो समस्त गोकुल था, और इसलिए सारे गोकुल को अपने नटखटपन से हर्षित करना मेरा कर्तव्य था, और माखन चुराकर खाना मेरा अधिकार। मैं कुछ समझ नहीं पाई माधव, केवल माखन खाने के लिए आपने इतने वर्षों तक प्रतीक्षा की। रुक्मिणी, तुमने आम तो खाया ही है, जब वो छोटा होता है तो उस पर नमक लगाकर उसका स्वाद लिया जाता है। जब वो मध्य आयु में पहुंचता है तब उससे अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार होते हैं, और जब वो पूरी तरह से पक जाता है तब वो मीठा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक आयु का अपना एक रस होता है। अब क्या मुझे अधिकार नहीं कि मैं बालपन की चंचलता का आनंद लूं? गोकुल के दूध से बने माखन का आनंद लूं? यशोदा, ओ यशोदा, आज तो इस माखन चोर को ऐसी डांट लगवाऊंगी कि माखन चुराना ही भूल जाएगा। यशोदा, ओ नंदरानी, अरे चक्की कहां गई? जरूर कन्हैया ने फिर से शरारत की है। अरे ओखली कहाँ गई? यही तो रखी थी मैंने।
ये धान कैसे कूटूं? ओ नंदरानी, जरा बाहर तो आओ, देखो तुम्हारे लल्ला ने क्या किया है। क्या हुआ? अरे क्या हुआ, काहे शोर मचा रही हो? शोर ना करे तो और क्या करे? तुम्हारे नटखट लल्ला ने हमारे घर का सारा गौरव खराब कर दिया। रहने दो, प्रतिदिन किसी ना किसी बहाने से यहाँ आ जाती हो। बहाने नहीं बना रहे, तुम्हारे माखन चोर की उदंडता ने हमें यहाँ आने पे विवश किया है। देखो मेरे लल्ला को चोर ना कहना, चोर नहीं है मेरा काना। अरे उसके घर में माखन की कोई कमी है क्या जो तुम्हारे घर जाएगा? क्योंकि घर में उदंता करने को जो नहीं मिलती, तुम्हारे लल्ला और उसकी टोली ने आज तक बचा के रखा है। गौ के सारे बछड़ों को छुड़ा दिया और गौ का सारा दूध पिलवा दिया, तो अब हम हमारे बालकों को क्या पिलाए? ये क्या कह रही हो तुम, मेरे बलराम और कृष्ण ऐसा कर ही नहीं सकते। अरे 4-5 वर्ष के बालक हैं वो भला बछड़े को कैसे छुड़वाएंगे, और इसके पीछे उनका क्या लाभ? देखो तुम्हें अवश्य ही भ्रम हो गया होगा, किसी और ने शरारत की होगी और तुम सारा दोष मेरे लल्ला पे मर रही हो। यदि ऐसी बात है तो तुम स्वयं पूछ लो अपने लल्ला से, वो स्वयं भी सत्य क्या है वो बताएगा। आखिर है कहाँ वो? तंग आ गई उसकी शिकायतों से। सच तो ये है कि तुम सब मेरे लल्ला के पीछे पड़े हो। उसे डांट खाता देख तुम सबको बहुत अच्छा लगता है ना, तो अब मैं तुम्हारी ये मंशा भी पूरी कर देती हूँ। अब देखती हूँ कैसे अपनी नटखट टोली के साथ घूमता है। तंग आ गई हूँ रोज रोज के तानों से। यशोदा, यशोदा चक्की और ओखली मिल नहीं रही है। पता नहीं अचानक से कहाँ सब गायब हो गया। देखा यशोदा, तेरे लल्ला ने तो अपना खुद का घर भी नहीं छोड़ा। आज नहीं छोड़ूंगी उसे। कन्हैया! अरे यशोदा! कन्हैया! नहीं यशोदा बहन, कहाँ छुपाएगी? कहाँ भी नहीं है। कन्हैया, कन्हैया, छुपा हुआ है। तेरे कानन दिन भर ताने सुनती रहती हूँ मैं। आज तो तुझे अवश्य दंड मिलेगा।
चल बाहर आ। बताओ मैया, तुम तो एक सेब इससे इससे बहुत डर लगता, पहले इसे दूर कर दो, अन्यथा मैं यहीं बैठा रहूंगा। मैं ये छड़ी नहीं फेंकूंगी। तुम्हें भी बाहर नहीं आऊंगा। आता है या नहीं? माखन चुराया ना तूने? नहीं मैया, मैंने माखन नहीं खाया। तो फिर तेरे मुख पर क्या लगा है? आओ, उनके मित्रों ने मैं सच छुल किया है, मुझे यहाँ फंसा दिया, उन्होंने ही मुझे पता नहीं किया था। सबसे हल्का तो है दाव की आज्ञा, मैं किसी न मानता, मुझे धमका कर सारे काम के बोल लेते हैं। मक्खन खाना हो तो मुझे सब शुभ पता है वो देते हैं, और मुझे कुछ नहीं देते। जब दाँत खानी हो तो मेरे मुख पर मक्खन लगा कर तला जाते हैं। जब तले लग ईशा कहते हैं, अरे जरा देखो तो इसे, अपनी मैया को कैसे धमका रहा है। अच्छा तो बाहर आता है या नहीं कान्हा? तो बाहर आता है या नहीं? कान्हा चला मेरे पास। देख कान्हा, तो मेरे साथ हट मत कर। कान्हा तू इधर आता है या नहीं? जब तक तू ये छेद ढूंढने गएगी मैया, तब तक मैं वहां नहीं आऊंगा। ले फेंक दी छड़ी, अब इधर आ। कॉपियों पर विश्वास है? दे लल्ला, मैं सब जानती हूँ, तू भी कोई कम नटखट नहीं है। मैं नटखट हूँ, मैं तो सीधा सा लबो लबाला हूँ। सच में मैंने कुछ नहीं किया, सब यहाँ छिपे बैठे हैं।
का बाहर निकलो सच अपने आप सब मैजिक। चलो बाहर आओ। तुम सब भी बाहर आओ चलो। ये सब तुम दोनों भाइयों की शरारत है ना? तू बता दे सबको मैंने कुछ नहीं किया ना? मैया मैं सच कह इन सब ने मुझे बचाया ताकि ये सब माखन चूर सके ना मुझ पर आ जाए।